नागरिकता संशोधन बिल संसद से पास होने के बाद से पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। विपक्षी दल बिल पर सवाल खड़े कर रहे हैं और विरोध में रैलियां निकाल रहे हैं। देश में कांग्रेस व अन्य दलों की सरकार बिल को नकार रही है और प्रदेश में लागू नहीं करने की बात कर रही है। ऐसे में सांसद राव उदय प्रताप सिंह ने अपने बयानों से राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। राव ने कहा है कि जिस राज्य में नागरिकता संशोधन बिल लागू नहीं हुआ वहां 356 का प्रयोग कर राष्ट्रपति शासन लग सकता है। नागरिकता संशोधन बिल संसद से पास होने के बाद से ही विपक्षी पार्टियों ने पूरे देश में हंगामा मचा रखा है। कांग्रेस व अन्य दलों ने नागरिकता संशोधन बिल पर कई सवाल खड़े कर रखे हैं। बिल के खिलाफ कई रैलियां निकाली गईं, बिल को वापस लेने की मांग की गई। कई राज्य में हंगामा इस कदर बरपा कि जाने तक चली गई। आगजनी और तोड़फोड़ की कई वारदातें हुई। वहीं देश के अधिकांश लोग खुलकर इस बिल के समर्थन में सामने भी आए और लोगों को भी बिल के बारे में समझाया। वहीं होशंगाबाद के सांसद के बयान ने मध्य प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विपक्षी दलों की राज्य सरकारों पर सीधा निशाना साधते हुए राव ने कहा कि देश के कानून का पालन करने के लिए राज्य सरकारें बाध्य हैं। जो राज्य सरकारें नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रही हैं उनको बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राज्य की सरकार अगर पालन नहीं करती है तो राष्ट्रपति को निर्णय करना पड़ेगा। 365 धारा का इस्तेमाल पहले भी कई बार हो चुका है, फिर हो सकता है। यदि पता, ये फेडरल स्ट्रक्चर है हिंदुस्तान में, एक गणतंत्री व्यवस्था हमारे देश की है। कोई राज्य सरकार, अगर भारत की सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में जो प्रस्ताव पास किया, उन दलों के लोग वहां पर थे, आप अल्पमत में थे, आप वहां पराजित हुए, आपको मौका मिला वहां बहस में शामिल होने का, आपको मौका मिला मतदान का, उसके बाद वो प्रस्ताव पास हुआ है, देश में संविधान के संशोधन करके कानून बना है, उस कानून को पालन करने के लिए राज्य सरकारें बाध्य हैं। और अगर राज्य सरकार उस कानून का पालन नहीं करेगी, मुझे लगता है राष्ट्रपति को निर्णय करना पड़ेगा, उन राज्य सरकारों को भंग करके वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाकर राज्यपाल गवर्न स्टेट करने का। और ये 356 धारा का जो इस्तेमाल हिंदुस्तान में अनेक बार पहले हुआ है, ये नहीं भूले कि हिंदुस्तान एक फेडरल स्ट्रक्चर के हिसाब से चलने वाला देश है। अगर भारत सरकार द्वारा बनाया गया ऐसा कानून जो बाध्य हर राज्य सरकार और नागरिक पालन करने का, जो उसका पालन नहीं करेगा, स्वाभाविक रूप से कानून सम्मत निर्णय भारत की सरकार कैबिनेट करेगी और राष्ट्रपति उसके हिसाब से निर्णय करेंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।